वर्ल्ड कप 2023 का आज 29वां मुकाबला खेला गया। इंग्लैंड के खिलाफ शानदार जीत के बाद भारतीय टीम को पॉइंट्स टेबल में दोस्तों बड़े फायदे, और कौन सी टीमें दोस्तों सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी हैं आज टीम इंडिया के जीतने के बाद, और कौन सी अभी भी सेमीफाइनल की रेस में बनी है तो जानेंगे पूरा बात दोस्तों। और आज बेहद ही रोमांच मुकाबला रहा, इंडिया और इंग्लैंड के बीच मुकाबला दोस्तों एकाना स्टेडियम में लखनऊ में खेला गया, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। कोहली और सुमन गिल दोस्तों और सुरेश अय्यर 4 रन 9 रन और 0 रन पर आउट हो गए, और वहीं दोस्तों 87 रनों की शानदार पारी खेले कैप्टन रोहित शर्मा और उनके साथ ही सूर्य कुमार यादव 49 रनों की, और केएल राहुल भी 39 रनों की पारी खेली, और भारतीय टीम ने 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 229 रन बनाए दोस्तों, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ और इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा विकेट विली ने 3 विकेट लिया और ओक्स ने 2 विकेट और राशिद ने भी 2 विकेट चटकाए। भारतीय टीम ने दोस्तों इंग्लैंड को लक्ष्य दिया 50 ओवर में 230 रनों का, और शुरुआती बात करें इंग्लैंड टीम की दोस्तों बेहद ही खराब रही, कोई भी बल्लेबाज इंग्लैंड टीम से नहीं चला। सबसे ज्यादा रन ल्यूस्टन ने 27 रनों की पारी खेली, और इंग्लैंड की टीम दोस्तों 34.5 ओवर में 129 रनों पर ऑल आउट हो गई। और भारतीय टीम की तरफ से दोस्तों मोहम्मद शमी 4 विकेट चटकाए और जसप्रीत बुमराह 3 विकेट चटकाए और कुलदीप यादव 2 विकेट चटकाए, और टीम इंडिया के जीतने के बाद पॉइंट टेबल में दोस्तों बड़े फायदे, बहुत सारी टीमें यहां पे सेमीफाइनल से बाहर हो गई हैं, और कौन सी टीमें भी सेमीफाइनल की रेस में बनी है तो जानेंगे पूरा पॉइंट टेबल, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वर्ल्ड कप के पॉइंट टेबल पर नजर डालें दोस्तों तो आज के मुकाबले के बाद इंग्लैंड अभी आ गई है 10 नंबर पे, 6 मुकाबले में से 1 मुकाबले जीती, इनके 2 अंक हैं, और 9 नंबर पे बात करें तो बांग्लादेश की टीम है, 6 मुकाबले में से 1 मुकाबले जीती, इनके 2 अंक हैं, और 8 नंबर पे बात करें नीदरलैंड की टीम है, 6 मुकाबले में से 2 मुकाबले जीती, इनके 4 अंक हैं, और 7 नंबर पे बात करें अफगानिस्तान की टीम है, 5 मुकाबले में से 2 मुकाबले जीती, इनके 4 अंक हैं, और नंबर 6 पे बात करें पाकिस्तान की टीम है, 6 मुकाबले में से 2 मुकाबले जीती, इनके 4 अंक हैं, और नंबर 5 पे बात करें श्रीलंका की टीम है, 5 मुकाबले में से 2 मुकाबले जीती, इनके 4 अंक हैं, और वहीं नंबर 4 पे ऑस्ट्रेलिया की टीम आ गई है, 6 मुकाबले में से 4 मुकाबले जीती, इनके 8 अंक हैं, और नंबर 3 पे बात करें न्यूजीलैंड की टीम है, 6 मुकाबले में से 4 मुकाबले जीती, इनके 8 अंक हैं, और नंबर 2 पे साउथ अफ्रीका है, 6 मुकाबले में से 5 मुकाबले जीत की, इनके 10 अंक हैं, और वहीं भारतीय टीम आज के मुकाबले के जीतने के बाद दोस्तों नंबर 1 पर आ गई है, 6 मुकाबले में से 6 मुकाबले हमारी भारतीय टीम जीती है, जहां पे 12 अंक है। नंबर 1 पे दोस्तों अभी भारतीय टीम है, और भारतीय टीम और साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया अभी भी सेमीफाइनल की रेस में है, और दोस्तों बात करें इंग्लैंड बांग्लादेश और नीदरलैंड कहीं ना कहीं यहां पे बाहर हो चुकी है सेमीफाइनल की रेस से। तो आप भी चाहते हैं टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीते तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।